मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर सोमवार को भोपा थाना क्षेत्र निवासी एक 8 महीने की गर्भवती महिला पहुंची, जहां पर महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि ककरौली थाना क्षेत्र निवासी एक भाजपा नेता के द्वारा उसे बहला फुसलाकर नौकरी का झांसा देकर उसके साथ लगातार कई दिन कई महीनों तक बलात्कार किया गया। उसने बताया कि वह उसे लगातार अलग अलग स्थानों पर ले जाकर बलात्कार करता रहा, जिससे कि वह गर्भवती हो गई, जिस पर उसने उसके बच्चे को गिराने की भी कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया, तो जिस पर उसके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। जैसे ही महिला के द्वारा भाजपा नेता से शादी की बात कही तो उसने मना कर दिया, जिस पर महिला के द्वारा भोपा थाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा मुकदमा तो दर्ज करा दिया गया लेकिन किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर महिला ने कहा कि वह खुलेआम घूम रहा है और लगातार अलग अलग लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ बलात्कार करता रहा। उसने बताया कि उसे लगातार फोन से जान से मारने की भी धमकी दे रहा है, इसलिए मैं मांग करती हूं कि जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अंकुर खटाना, पुत्र अरविंद कुमार, थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर का निवासी है। उसकी और मेरी मुलाकात मोरना ब्लॉक पे हुई थी। वो अपने आप को भाजपा का नेता बताता है और योगी जी मोदी जी के साथ जो फोटो हैं उसके, उन फोटो द्वारा लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है और ये फोटो दिखाकर लड़कियों को सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा दिलासा देता है और लड़कियों का शोषण करता है। मेरे साथ उसने मुझे अपने प्यार के झांसे में फांसा और मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। इसमें मैं 8 माह की प्रेग्नेंट हूँ। शादी का झूठा आश्वासन देता रहा। इसके बाद वो मुझे 3 मई को मेरठ पल्लवी होटल में ले गया कोर्ट मैरिज करने के बहाने, लेकिन उसने कोर्ट मैरिज नहीं किया। 17 मई को उसने 2023 को अपनी माँ बिमलेश और चाचा मिंटू को बुलाया और मेरे अबोसन की बात की और उन्होंने मुझे मारा पीटा, टॉर्चर किया, मेरे साथ बहुत हाथापाई की। और इसके बाद अंकुर खटाना मुझे जो भाजपा का नेता बताता है अपने आप को, वो मुझे बुलंदशहर ले गया बंधक बना के अपनी गाड़ी में और वहाँ उसने रॉयल प्लाजा होटल में मुझे रखा खुर्जा में। इसके बाद 28 मई को उसने मुझे दिल्ली के 1 साल से, मैं चाहती हूँ कि ये जेल जाए क्योंकि इसने कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। पहले भी इस पे पोस्को एक्ट वगैरह धाराएं लगी हुई है मुजफ्फरनगर में कोर्ट में। मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है, मैं साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए हमेशा मैं कार्यरत रहती हूँ। आज मेरे पास एक फ़ोन आया और इन बहन जी के फ़ोन से और इन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि मैं शिव चौक पर खड़ी हूँ और आप, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ और मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप मेरे से एक बार मिल के मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आप पहले मेरे से मिल लो, मैं सारी बात आपको मिल के बताऊँगी। तो मैं यहाँ शिव चौक पर आई और मैंने इनसे यहाँ पर चौकी पर बैठ के बात की और मैंने इनसे सारी जानकारी ली, पूछा इनसे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ आपके साथ। तो इन्होंने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र की ये रहने वाली हैं और कुछ समय पहले ये जो है ककरौली थाना क्षेत्र से लड़का है उसके साथ चली गई थी। दोनों का आपस में जो है प्यार का मामला था, दोनों ये आपस में चले गए। उसने कहा कि मैं शादी करूँगा आपसे और उसके बाद ले जाने के बाद उसने ना इनसे शादी करी और इन्होंने जो मुझे बताया कि इनके साथ और लोगों द्वारा भी उसने शोषण कराया, खुद तो किया ही औरों से भी कराया। और अब ये लड़की 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ये अंकुर खड़ाना इन्होंने नाम बताया है, ककरौली क्षेत्र के रहने वाले अंकुर खड़ाना, वो भाजपा में शायद कार्यकर्ता हैं। और फिर मैंने थाना में भी बात की है, मेरी भोपा थाने में इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है तो उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्दी ही उस लड़के की जो है तलाश करी जा रही है और जल्दी ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो हमारे पास ये आई है, हम जो है आज तो हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की है और अगर कल तक अरेस्ट नहीं होंगे तो हम आला अधिकारियों से मिलेंगे और जल्द से जल्द इस लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और सभी अधिकारियों से बात भी करेंगे।